आप लोग भी सोचते हैं कि हमारे भी एक प्राइवेट लिमिटेड कम मतलब बैंक का एक VC हम ओपन कर सकें, जैसे कि ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, और गाइस बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो मतलब प्राइवेट VC पॉइंट प्रोवाइड करती है। सो गाइस अगर आपको भी अपने लिए प्राइवेट VC पॉइंट की ज़रूरत है, सो गाइस आप जो है आप डायरेक्ट जो है बैंक की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे जो है मेरे एक फ्रेंड ने जो है अप्लाई किया था, सो गाइस वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे VC पॉइंट में एज अ कि HDFC मतलब जो बैंक है वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की सर्विस तो नहीं होती, लेकिन एज अ वो जो सर्विसेज हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करके। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं बताऊँ सबसे पहले तो, सो गाइस कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड आ जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस जो मेरे फ्रेंड है उनका नाम है अमित कुमार, और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच कोड वगैरह आप जो भी है मोरपो सीरियल डिवाइस वगैरह यहाँ पे। गाइस सबसे पहले यहाँ पे आप डैशबोर्ड जब देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार बैंकिंग सर्विसेज, लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ खास करके कोई चीज़ होती तो है नहीं, लेकिन अगर गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट एंड फंड ट्रांसफ़र और मिनी स्टेटमेंट, कैश विड्रो। सो गाइस बस इतनी ही सर्विसेज हैं जो एक आपको किसी भी ID में मिल जाएगा, जैसे इको इंडिया हो गया, स्पाइस मनी हो गया, बेसिक है, बट गाइस इसमें अकाउंट ओपनिंग सर्विस नहीं है। गाइस अगर आपको जो है अकाउंट ओपनिंग की सर्विस वाली चाहिए तो गाइस वो आपको डायरेक्ट बैंक जाके लेनी पड़ेगी। सो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सोचेंगे कि मैं जो भी है सर्विस मैं लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन गाइस यहाँ मैं बता दूँ सबसे पहले जब आप बैलेंस इंक्वायरी के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, सो गाइस यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी में कुछ मतलब ऐसा कुछ इंटरफेस आता है यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको यहाँ पे ऑफ करना होता है, एक मिनट गाइस यहाँ पे इसको ऑफ करना होता है, फिर यहाँ से आपको जो है बैंक सेलेक्ट करना पड़ता है। चलिए गाइस यहाँ पे हम एक बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे हमने एक बैंक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी गाइस, तो यहाँ पे हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। और गाइस इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टर्न ऑफ कंडीशन देना होगा यहाँ पे, हाँ जी। तो फिर उसके बाद आपको अपना आधार नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, आधार नंबर देने के बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ऑथेंटिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपकी जो है बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुल होगी। सो गाइस यहाँ पे आगे बात करें तो गाइस यहाँ पे जो फंड ट्रांसफ़र मतलब फ़ंड ट्रांसफ़र जो है वो ओनली फॉर HDFC बैंक में ही होगा, और यहाँ पे नहीं गाइस यहाँ पे शायद अन्यथा अलग बैंकों में हो जाएगा, लेकिन नहीं गाइस यहाँ पे ओनली फॉर जी यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC में ही होगा, यहाँ पे पॉसिबल देख रहे हैं यहाँ पे कस्टमर ओनली HDFC का ही आपको यहाँ पे अगर आपका अकाउंट है तभी यहाँ से आप फंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे, अन्यथा आप यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बेसिक्स डिटेल्स नहीं है या बेसिक्स आपका यहाँ पे कोई काम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि गाइस आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं जो मतलब VC अलाउड कर रही है, बट गाइस उसमें अकाउंट ओपनिंग की सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। उससे बढ़िया तो गाइस एक जो है नॉर्मल पोर्टल आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि गाइस उसमें जो है आपको मनी ट्रांसफ़र का और गाइस रिचार्ज और बिल पेमेंट की सर्विस वगैरह, टिकट की सर्विस वगैरह जो मिल जाती है। सो गाइस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यार पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओके गाइस आज के लिए बस इतना, जल्दी लेकर आऊंगा फिर से एक नया वीडियो।